हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विशाल टेक। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि आपका राशन कार्ड की सूची जो है नई जारी हो चुकी है। आप उसमें अपना नाम देख सकते हैं कि आपने जो राशन कार्ड के लिए अप्लाई किया था उसमें आपका नाम है कि नहीं। हाँ दोस्तों, 2022 से इसकी राशन कार्ड की सूची जो है वो आ चुकी है। उसको कैसे देखना है, किस प्रकार से देखना है, उसी के बारे में आज बात करने वाले हैं कि आप अपने नाम उसमें कैसे देख सकते हैं। तो उसके लिए हमें चलना होगा, आप अपने मोबाइल से देख सकते हैं आराम से। अगर कंप्यूटर है, मोबाइल है, कहीं से भी देख सकते हैं। अगर आप बाहर से निकलवाना चाहते हैं वहाँ से, तो आपको पैसे देकर करना होगा। आप अपने फ़ोन से निकाल सकते हैं खुद ही, ठीक है। तो कैसे निकालना है, चलिए मोबाइल की स्क्रीन पर चलते हैं, फिर बताते हैं। अगर आप किसी और अन्य राज्य से हैं, मैं यूपी की नहीं बात कर रहा हूँ, किसी भी राज्य का हो आप आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर यूपी का बताने वाला हूँ, उत्तर प्रदेश की जो नई सूची हमारी जारी हुई है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, मोबाइल की स्क्रीन पर आ चुके हैं और इसमें आपको क्या करना है, आपको किसी भी ब्राउज़र पर चले जाना है। आपका क्रोम ब्राउज़र हो या कोई भी ब्राउज़र हो, आप वहाँ पर चले जाएंगे, फिर वहाँ से आप इससे निकाल सकते हैं। जैसे कि मैं अपना क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेता हूँ। क्रोम ब्राउज़र को ओपन करने के बाद यहाँ पर आकर आपको सर्च करना है, ठीक है। मैं बता देता हूँ क्या सर्च करना है। यहाँ पर आपको सर्च करना है, आपको जैसे यूपी की चाहिए ना सूची, तो यहाँ पर यूपी डाल देना है। यूपी डालने के बाद RATION राशन कार्ड, ठीक है, बस इतना ही आपको डालना है। अगर आप अदर स्टेट से है, वहाँ का आपको स्टेट का नाम और राशन कार्ड इतने डालना है। इससे डालने से आपको क्या होगा, आपकी जो वेबसाइट है फर्स्ट, वो आपको वहाँ की वेबसाइट आपको मिल जाएगी। जैसे कि NFSA की वेबसाइट होती है, तो वहाँ पर आपको डायरेक्ट आपको स्टेट की वेबसाइट मिल जाती है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने इस पर आपको क्लिक कर देना है जो होती है। फिर इसके बाद यहाँ पर क्या है, आप मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये जितने भी यहाँ पर आप देख रहे हैं ये सब दिया हुआ है। ये वहाँ पर जो भी मतलब कि उस मतलब कि ज़िले का नाम है सब, मतलब कि वहाँ पर जैसे उत्तर प्रदेश के जितने भी ज़िले हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं। जो भी आपका यहाँ से ज़िला होगा, यहाँ पर आप अपने ज़िले को अपनों को चयन कर लेना है, ठीक है। तो जैसे कि मैं फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए कोई भी ज़िला ले लेता हूँ, ठीक है। मैं एग्ज़ाम्पल के लिए ले रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पर मेरे को दिख रहा है, यहाँ पर एक ज़िला यहाँ पर मेरे को दिख रहा है गोरखपुर का, ठीक है। मैं यहाँ पर गोरखपुर का ले लेता हूँ। जैसे यहाँ पर गोरखपुर लेने के बाद यहाँ पर देखिए, जैसे आपको दो जगह मिलेगा। यहाँ पर एक को मिल जाएगा, यहाँ पर ये शहर वालों के लिए होता है, ये ग्रामीण वालों के लिए होता है, ठीक है। अगर जहाँ से हैं, अगर आप शहर से हैं तो ऊपर वाले पर आपको देखना होगा, अगर आप ग्रामीण से हैं तो ग्रामीण वाले पर देखना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो होता है शहर वालों के लिए यहाँ पर टाउन्स होते हैं और गाँव वालों के लिए यहाँ पर ब्लॉक्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो भी ब्लॉक लगाता होगा तो वहाँ पर उसको चूज़ कर लेना है। तो जैसे यहाँ पर मेरा जो भी मेरा ब्लॉग है, मैं फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए कोई भी ब्लॉग ले लेता हूँ। यहाँ पर मैं क्या लेता हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ है एक बंस गांव लिखा हुआ है, यहाँ सबसे पहले नंबर वाला ही मैं ले लेता हूँ, ठीक है। आपको इस पर क्लिक कर देना है। देखिए यहाँ पर सर्चिंग ले रहा है यहाँ पे, जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं, देखिए हमारा यहाँ पर लोड ले रहा है। थोड़ा इंटरनेट तो सही है, यहाँ पर जो ये साइट ही होती है थोड़ा इसमें वो होता है, स्लो चलती है, क्योंकि इस पर बहुत सारे काम होते हैं। देखिए यहाँ पर दे रहा है एक्सेप्टेड एरर बता रहा है, ठीक है। यहाँ पर फिर से आपको बैक आ जाना है, ठीक है, क्योंकि ये साइट थोड़ी सी बिजी रहती है ना, इस पर काम भी होते रहते हैं, तो इसीलिए। तो यहाँ पर मैं बैक चलता हूँ, फिर बैक चलने के बाद कहीं और किसी और पर क्लिक कर लेता हूँ। देखिए ये भी चल रही है। चलिए मैं गोरखपुर के अलावा कहीं और का देख लेता हूँ। जैसे मैं फर्स्ट नंबर का आगरा का देखना चाहता हूँ, आगरा का मैं देख लेता हूँ। आगरे में देखने के बाद यहाँ पर जैसे कोई भी अपना ब्लॉक चुन लेना है, जैसे कि मैं यहाँ पर ब्लॉक कोई भी चुन लेता हूँ, पहले वाले ब्लॉक चुन लेता हूँ, ठीक है। आपको ब्लॉक चुनना है, ब्लॉक चुनने के बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सभी गांवों के नाम आ जाएगा। यहाँ पर ग्राम पंचायत का नाम, आपके जो भी गाँव का नाम होगा, जैसे यहाँ बहुत सारे गाँव का नाम यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे भी आपका जो भी गाँव का नाम होगा वहाँ पर आपको चुन लेना। जैसे मैं पहला वाला ही चुनूँगा, फिर पहला वाला मैंने चुन लिया फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए। पहला वाला चुनने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं उस गाँव का जो भी होगा, यहाँ पर दुकानदार का नाम होता है, फिर यहाँ पर राशन कार्ड कितने यहाँ पर बने हुए हैं यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर जो क्या कहते हैं, यहाँ पर जो नॉर्मल होते हैं, यहाँ नॉर्मल वाले होते हैं, यहाँ पर अंत्योदय वाले होते हैं, यहाँ पर टोटल होता है, ठीक है। यहाँ पर दुकानदार का नाम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि आप जो भी, अगर आपका अंत्योदय वाला है तो अंत्योदय में देख सकते हैं। यहाँ पर जैसे कि मैं यहाँ इस दोनों में आप देख सकते हैं, आपको नहीं पता कि मेरा अंत्योदय की पात्र गृहस्थी है। तो यहाँ पर जैसे मैं यहाँ पर पात्र गृहस्थी वाले, यहाँ पर इस पर क्लिक करना है आपको, ठीक है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पूरा आपको यहाँ पर सब किस मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप सूची देख सकते हैं, और जो नई लिस्ट जारी होती है ना वो सबसे ऊपर ही आपको देख रहे हैं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सबसे ऊपर यहाँ पर ना, यहाँ पर जो होती है सबसे ऊपर ही आ जाती है, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ,
यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ सबसे ऊपर 2020 में, 2019 में, 2021 में, यहाँ देख सकते हैं सारी लिस्ट है। ठीक है, यहाँ देखिए नीचे, नहीं वैसे आपको ढूंढना ही पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर देखिए ज़रूरी नहीं है नई लिस्ट ऊपर ही आ जाती, क्योंकि यहाँ देखिए 18 फिर 19 फिर 21, मतलब कि ऐसे ऐसे यहाँ पर दिए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर 20 फिर 18, मतलब कि इनमें से आप सारी सूचियों को देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर नाम के नाम से, यहाँ पर देखिए जिसका मतलब कि यहाँ पर धारक का नाम होगा, उसके पिता या पति का नाम होगा, माता का नाम होगा। ठीक है, मतलब इससे आप पता कर सकते हैं यहाँ पर उसका नाम, उसके पिता या दाता जिसका भी होगा, यहाँ पर देख सकते हैं आप। ठीक है, किसके नाम से बना है आप आराम से खोज सकते हैं। यहाँ पर पूरा डिटेल आपको दिखा देगा, बहुत सारे है पूरा। ठीक है, टोटल यहाँ पर आपको दिखा देगा, आप अपना इसमें नाम चेक कर सकते हैं आपके नाम है कि नहीं। ठीक है, तो बस दोस्तों ऐसे ही चेक करना था। तो वीडियो से रिलेटेड और भी कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, अगर आपको ये समझ नहीं होगा तभी कमेंट बताइएगा। और भी सवाल है आपका, अगर इंस्टाग्राम पर मुझे जाकर फॉलो कर सकते हैं, वहाँ भी मैसेज कर सकते हैं, मैं वहाँ पर भी आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही बताना था। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।